क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन सा था? जर्मनी। जर्मनी जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था जर्मनी, मतलब सबसे बड़ा कारण और उत्तरदायी जर्मनी देश था प्रथम विश्व युद्ध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन। जो 1911 में जो चीनी की क्रांति हुई थी उसका नायक कौन था? सन यात सेन। जो ये चीनी क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चीन चीन के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया कहा जाता था? पहले कहा जाता था लेकिन अब ये मतलब इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बढ़ने के बाद चीन को ये नाम अभी नहीं लिया जाता। पहले इनको एशिया का मरीज के नाम से इतना पिछड़ा हुआ था कि इसको एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था, चीन को या चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कपाल पाशा को। आधुनिक तुर्की जो है उसका निर्माता किसको माना जाता है? मुस्तफ़ा कपाल पाशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरा संघर्ष। हिटलर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है? मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और कितने वर्षों तक लड़ा गया? इसकी शुरुआत हुई थी 1939 से और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया। स्टार्टिंग हुई थी 1939 से और ये 6 ईयर्स तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जो द्वितीय युद्ध का तात्कालिक कारण था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने जो क्या किया था कि पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उसी का ये तात्कालिक कारण था सेकंड वर्ल्ड वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के जो दो शहर थे उन पर एटम बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, इसलिए जापान ने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? 6 अगस्त 1915 को। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? 6 अगस्त 1945 को इनको इन पर अणु बमों का प्रयोग किया। इनके दोस्त से जापान के जो दो शहर थे, अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के ये दो बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर अलग अलग दिन परमाणु बम गिराए थे, एटम बम गिराए थे और ये अलग अलग कैपेसिटी के जो बहुत ही भारी बम गिराए थे इन्होंने। तो ये एक तो गिराया था 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को, दोनों अलग अलग दिन गिराए गए थे। इससे जापान ने क्या किया था, फिर आत्मसमर्पण कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस कमेंट दिस चैनल।